बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यस एक चीज जरूर है जो ढिल्लों साहब ने बोली है, सर ने अभी कल परसों बोला था, उन्होंने क्लियर बोला था कि इन जुलाई जुलाई में भी मैं भी या आफ्टर ये खत्म होने के बाद आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि उनमें से वाकई में कितना बड़ा है, और आपकी लाइफ ऑलरेडी टर्न ले चुकी है, 360 ऑलरेडी टर्न ले चुकी है, एंड जो आपने कल्पनाओं में नहीं सोचा था उससे बढ़कर सारी चीजें हो चुकी हैं, और आपको लाइफ को एंजॉय करना है, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है। बट यस, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो मतलब भावनाएं, फीलिंग यहाँ पे जुड़ी, जो चीजें मिलती गई रिसेंटली हमारे साथ, ऑलरेडी थर्ड इंसिडेंट, तीन इंसिडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, मांगेराम जी अभी लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, मांगेराम जी ने भी शेयर किया होगा, हम वहां पे कुल्लू में बैठे थे, जिस घर में हम बैठे थे उसकी बगल वाली दीवार की दूसरी साइड में हमारे प्राउड फाउंडर बैठे थे, आप इमेजिन करके देखो कि आज ये हमारा तीसरा चौथा इंसिडेंट है, ऑलरेडी ये चीजें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, ठीक है। और अभी लास्ट हम जो एक मोड़ा मुकाम एक हासिल करना था, उस पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, उस पड़ाव को हम पार कर चुके हैं, पहुंच नहीं चुके, पार कर चुके हैं। सो ये आप सभी लोगों के था, प्यार से, रिस्पेक्ट से, आपके एंडलेस एफर्ट से ये सारा कुछ हुआ है, नो डाउट। नीरज है, कौशिक जी हैं, ठीक है, भोलो साहब कंटिन्यू आते रहे हैं, मांगेराम सर हैं, ठीक है, कोटियाम सर, स्पेशल थैंक्स उनका, केडी शुक्ला साहब, मुकुंद काबरा जी, ठीक है, जितने भी इवन क्रॉस है, हमारे जीवी भाई साहब आ जाते हैं, जीवी राव साहब हमारी टीम से ना होते हुए भी कितने बड़े सपोर्ट हमारी रहती है, लेडीज में हमारे यहाँ पे ममता जी हैं, योगिनी जी, हरप्रीत जी हैं, पल्लवी हैं, सभी मतलब एंडलेस एफर्ट्स हैं हर किसी के, हर किसी ने टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम दिया है। तो ये हमारे अकेले का चलने का बस का नहीं था, अकेले हम नहीं कर सकते थे, ये आप लोगों का प्यार था, रिस्पेक्ट के साथ ये चीजें हुई हैं। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, लव यू आप सभी को, बहुत 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 दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार। एंड यस दोस्तों, नो डाउट हमारे एक सफर में एक पड़ाव आया है जो हमने मुकाम हासिल किया है, बट यस जर्नी कंटिन्यू, कंपनी एंड पे चलती रहेगी, हमारी जो ड्यूटीज कंपनी की तरफ से लगेगी या सर की तरफ से लगेगी, हम उनके लिए परिपक्व हैं, डेडिकेटेड है, हम करते रहेंगे वो सारी चीजें। सो लव यू ऑल, थैंक यू दिल से, दिल के गहराइयों से, अगेन धन्यवाद, थैंक यू, लव यू बहुत सारा प्यार, ओवर टू माय ग्राम सर, लव यू भाई, थैंक यू। बहुत ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर्स ने वैसे ही सब कुछ बोल दिया है, तो उस बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक्स टू माय मेंटर जसवंत सिंह जस्सी सर, उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी और वो मैंने ली, और मैंने शुरू में तो जैसे मैंने भी नहीं इसे एक्सेप्ट की थी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको समझने की कोशिश की तो आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, जितने लोग बोलते थे कि ये सिर्फ ऐसी है कंपनी, वैसी है कंपनी, और ये कभी फाउंडर इनको बंद ही नहीं करना है, फाउंडर्स लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन आज उन सभी के मुंह पे ताला लग चुका है और वो भी कभी नहीं बोलेंगे कि हमें भी यहाँ पर आना है। आज हम सुबह बात ही कर रहे थे, मैं जीवी राव सर से बोल रही थी, सर प्लीज मेरी आईडी एक्टिव कर दो प्लीज मेरे, मैं तो जस्ट उनके साथ किडिंग कर रही थी, लेकिन वो किडिंग किडिंग में आज मैंने जो मेरे रजिस्टर्ड आईडी थी आज खुद चल के मेरे पास आई, चार आईडी की मैंने उसे वही कि वही क्या बोलते इसको एक्टिव करा। तो इसके लिए मैं आज सर को भी थैंक्स बोलूंगी कि जो उन्होंने कुछ ही पल के लिए वो एक्टिव आईडी रखी है, वो नहीं पता कि कब सॉरी पेंडिंग आईडी रखी हुई है वो कब बंद हो जाएगी, वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आज वो मेरे लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि सच में आज मैंने वो चार आईडी एक्टिव की है, तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि चलो जो लोग आना चाह रहे थे आज वो उनके नसीब में शायद आज थी वो चीज, तो वो आ चुके हैं, इन हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, टाइम भी बहुत हो रहा है और हमारे कुछ और भी लीडर्स बाकी हैं बोलने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बोला आपने। और अभी मैं इनवाइट करूंगा नीरज जी को, नीरज जी आए प्लीज, वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को, और सॉरी मेरा आज इंटरनेट कनेक्शन खराब है, अभी लाइट गए थे तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ था तो फिर से ज्वाइन हुआ, तो गुस्मिंदर जी बात कर रहे थे तभी डिस्कनेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश जी बहुत अच्छा एज ऑलवेज, एकदम
एक्साइटिंग। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो भी पहली 4 साल पहले ज्वाइन किया था और अभी एक अच्छा लग रहा है कि एक फेस खत्म हुआ और अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा इंडिया इशू वन जो ईमेल क्रिएट किया गया था, वो बेसिकली मालूम नहीं कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या दी गई थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो ईमेल क्रिएट किया गया था वो आपको हेल्प करने के लिए था कि इश्यूज जो है वो अंडरस्टैंड करके, लोगों ने इसको मे बी सपोर्ट ही समझ लिया है और सभी सपोर्ट यानी इधर डाल दिया था, तो ऐसे नहीं है। प्लस तो अभी ये तो थोड़े दिन में बंद होने वाला है ईमेल, और जो ईमेल्स और वो चेंज वेंज का आप बोल रहे हैं वो हमने बता दिया है एस सर को कि बहुत रिक्वेस्ट आई है, तो हमने रिक्वेस्ट किया है, तो अगर वो ओपन एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ अदर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो और एक्टिवेशन का भी जो जो भी आ रहे हैं मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो मेन अपडेट है कि इंडिया इशू वन अभी क्लोज करेंगे, उसमें जो आपने इश्यूज डाले हैं प्लीज वो पहले मैं होप करता हूं कि आपने सपोर्ट में पहले डाले हैं, और जो ईमेल रिलेटेड इश्यूज है वो अभी यानी ईमेल चेंज नहीं हो रहा है, तो एज ऑफ नाउ वो चेंज नहीं होंगे, आगे जाके अगर ऐश बोलते हैं तो वो उसका डिसीजन दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था। नेक्स्ट है कि कल एज ऑलवेज मैं आ रहा हूँ थाने में, तो 11 बजे इंडियन अगर आप कोई है तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। कल का कल थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए अगर आप हो तो आ जाइए, तो मिलते हैं, बातें करते हैं और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, एंजॉय करते हैं। So, anyways, thank you.